नमस्कार, सभी का स्वागत है। हायाघाट प्रखंड के आनंदपुर सोहरा पंचायत से सामने देख सकते हैं रमन जी चौधरी, जो इस बार मुखिया बन गए हैं आनंदपुर सोहरा पंचायत से। विजय पासवान 15 वर्षों से लगातार मुखिया थे, 3 टर्म पंचायत के जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इस बार रमन जी चौधरी को आशीर्वाद मिल गया है। रमन जी चौधरी का इंटरव्यू हम सुनाएंगे, उन्होंने क्या कहा है ईवीएम के बारे में और सरकार को ईवीएम के लिए धन्यवाद दिया है, साथ ही पंचायत के विकास के लिए क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि मतगणना केंद्र पर जैसे ही जीत की खुशी उन्हें मिली, उनके जो समर्थक थे वो झूम उठे। उसके बाद रमन जी चौधरी वहां से निकलते हैं, बाहर आते हैं, सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये जो दृश्य है वो गांव का दृश्य है, ये उनके घर का दृश्य है। जब समर्थक उनके घर पहुंच गए, पाग माला चादर सभी जो यहां पर है स्वागत कर रहे हैं, पाग माला के साथ खासकर फूल का जो माला है वो देख सकते हैं, पूरा उनके गर्दन तक जो लगा हुआ है, साथ ही अबीर और गुलाल लगाकर उनके जो घर के जो बुजुर्ग हैं, खासकर माँ हैं या फिर बहन हैं, सभी लोग उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि हजारों की संख्या में जो आनंदपुर सोहरा पंचायत की जो जनता थी वो सड़क पर आ गई। आनंदपुर सोहरा में लगभग 15 वर्षों से विजय पासवान जो लोकप्रिय नेता थे, हायाघाट में उनकी गिनती थी लोकप्रिय नेता में, लेकिन इस जो है जनता ने आशीर्वाद रमन जी चौधरी को दे दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बता दें कि रमन जी चौधरी जो है लगभग 3 टर्म से वो भी लड़ रहे थे और कुछ मतों से उनकी हार हो रही थी, लेकिन इस बार सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस बार उनकी जीत हो गई है। और लगभग बता दें कि 400 से अधिक मतों से जो है रमन जी चौधरी ने जीत दर्ज किया है। विशेषकर देखिए, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, इंटरव्यू सुनाते हैं। बता दें कि सभी प्रखंडों में यही हाल है कि लगभग सभी पंचायतों में जो है मुखिया चेंज हो रहे हैं। वहीं सदर प्रखंड की बात करें, सदर प्रखंड में भी 24 पंचायतों में जो आंकड़ा आया है वो लगभग 80 और 20 के प्रतिशत का जो आंकड़ा है वो छू गया है। तो हायाघाट में भी बता दें कि 3 मुखिया जो है सिर्फ निवर्तमान रह गए, बाकी 9 पंचायतों में बदल गए हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं रमन जी चौधरी का। हो गई है, क्या करना चाहते हैं? आनंदपुर सोहरा पंचायत से पिछले लगातार 15 सालों से लड़ते आ रहे थे, लेकिन विजय पासवान लगातार 15 साल से वहाँ मुखिया रहे, लेकिन इस बार पब्लिक सब जान गई उनका सारा कारनामा, और उनका बहुत धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद दिए, बहुत ज़्यादा मत से विजय प्राप्त किया। खासकर जनता से क्या कहना चाहते हैं, जो आपने जनता से जो क्या कहना चाहते हैं? जनता में आज बहुत खुशी का लहर है, जो हमको मान सम्मान दिए हैं उस पर हमेशा खरा उतरेंगे, और यही सबको शुभकामना देते हैं। जिस तरह से आज किए हैं उसी तरह से बना रहेगा, कभी ऐसा 15 साल 3 टर्म जो आपने लड़ा था उसमें कितने वोटों का अंतर हो रहा था हारने में? पिछले 3 टर्म में जो हम देखे हैं, कहीं ना कहीं वो गड़बड़ी के कारण वो बूथ छाप करके वोट, जहां एक भी बोकस नहीं निकलता था, ऐसा बूथ है जहां छाप करके जीत जाते थे। इस बार बहुत कंसस्ट है, हम देख रहे थे बहुत ऐसा गलत वोटर को, बाहरी वोटर को जोड़ करके उसमें जोड़ा गया है। शाम रात के समय 35 नंबर वोट पे कुछ हंगामा भी हुआ था। जी, शाम के समय में, रात के समय में 200 आदमी को भीड़ लगा करके, करीब 200-250 गांव पंचायत से अलग का वोटर को जोड़ करके मुखिया जी बार बार जो है इस तरह से जीत रहे थे। इस बार बहुत कंसस्ट है, और चुनाव आयोग को धन्यवाद देते हैं कि इस बार बैलेट के बदला जो मशीन था इसका हम लोग को बहुत सहयोग मिला, इसके कारण मेरा विजय प्राप्त इस बार किया। क्या लग रहा है कि सभी पंचायतों में जो मुखिया चेंज हो रहे हैं इसका एक महत्वपूर्ण कारण ये हो सकता है? जी, पब्लिक जाग चुकी है, पब्लिक सारा देख रही है, वो हर बात जान रही है, यही जान करके हर जगह जो है बदलाव करने का निर्णय लिया। आपके पंचायत में क्या नहीं है जो करना चाहेंगे? पंचायत में 15 साल से नर्क हो चुका है, कभी मौका मिलेगा आप लोग को भी दिखाएंगे, कहीं कोई विकास का काम ही नहीं हुआ, जो हर चीज को नया शुरुआत से करना है, नया उजाला लाना है, नया रोशनी में लोग को रखना है। सर, भी आप क्या करेंगे? कोशिश करेंगे सड़क साफ सुथरा रहे, लोग अच्छे ढंग से रहे, एक आम पब्लिक को क्या चाहिए, रहने के लिए अच्छा आवास, भोजन सब सरकार दे रही है, लोग कहीं दिक्कत नहीं है, सिर्फ करने वाला का अभाव है जो आज तक नहीं हो सका है, सब काम धीरे धीरे पूरा होगा। कितने वोट से ये जीत हुई है? 416 वोट से जीत। क्या नाम पूरा हुआ आपका? कृष्णकांत चौधरी रमन जी। पिताजी का? पिताजी का नाम श्री सियाराम चौधरी अधिवक्ता। कौन से पंचायत से थे? Hello।
भैया का विवाह कर मैं ना।